बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर है, बच्चों को टक्कर मारी है और टक्कर किसने मारी? पुलिस वाले ने। टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं दो बच्चे, घायल हुए थे। छात्रों को सड़क पर छोड़कर फरार हो गई ये गाड़ी, और ये गाड़ी किसकी है बताएंगे आपको। छात्र गंभीर हालत में उर्सला अस्पताल में भर्ती है। अब जरा देखिए, एसपी नेहा पांडे की गाड़ी ने टक्कर मारी थी मासूम बच्चों को, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। टक्कर मारने के बाद गाड़ी फरार हो गई, और ये कह लीजिए कि एसएसपी साहिबा फरार हो गई। छात्रा गंभीर हालत में उर्सला में भर्ती हैं। उन्नाव से बड़ी खबर, डीजीपी सुल्तान सिंह के राज में पुलिस हुई निरंकुश। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, छात्र गंभीर हालत में उर्सला अस्पताल में भर्ती है। संवेदनहीन पुलिस का रवैया इसे कहिएगा, क्योंकि ये मानवता नहीं हो सकती है। छात्रों को सड़क पर छोड़कर फरार हो गई ये गाड़ी, ये तस्वीरें हैं आपके सामने। जो बाद में लोग आए, लोगों ने बच्चों को उठाया, उसके बाद अस्पताल पहुंचाने की कार्यवाही हुई। ये तस्वीर को देखिए, साइकिल सवार दो छात्रों को टक्कर मारती हुई पुलिस की गाड़ी निकल गई। के न्यूज के सवाल आपके सामने हैं। उन्नाव एसपी को लेकर ये सवाल है, स्कूली छात्रों को टक्कर मारने वाली पुलिस गाड़ी भागी क्यों? के न्यूज के सवाल आपके सामने, इन सवालों का जवाब देना होगा। क्यों भागने की इतनी जल्दी थी पुलिस वालों को? गाड़ी पर सवार अधिकारी ने घायल बच्चों को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? यह जहमत क्यों नहीं उठाई? गाड़ी पर सवार अधिकारी गाड़ी से उतरा क्यों नहीं? सवालों के घेरे में उन्नाव एसपी नेहा पांडे। स्कूली छात्रों को टक्कर मारने वाली पुलिस गाड़ी भागी क्यों? अरुण अवस्थी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। अरुण, एक एसपी साहिबा और उनकी गाड़ी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, दो स्कूली छात्रों को टक्कर मारकर सरपट निकल जाती है, रुकती तक नहीं है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? बिल्कुल, बताना है कि जो मामला है, जिस मामले की चर्चा हो रही है, इस मामले में अगर बात करें तो दो जो बच्चे थे वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, और इसी बीच उधर से निकली पुलिस स्कॉर्ट गाड़ी थी जो एसपी उन्नाव के काफिले की गाड़ी बताई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जो जिप्सी है वो काफिले की गाड़ी थी, और वो गाड़ी में जो सवार सिपाही थे वो जिस समय घटना हुई वो उतरते भी नहीं है और मौके से भागने का प्रयास करते। हालांकि उसी समय जो दूसरे सिपाही थे जो पीछे रहे होंगे, उन लोगों ने, वो लोग आगे बढ़े और उन लोगों ने उठाया बच्चे को, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिप्सी गाड़ी भागने का मौका छोड़ के निकल गई, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठा रही है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों ऐसा किया जिप्सी गाड़ी ने जो स्कॉर्ट की गाड़ी बताई जा रही है। सूत्र जैसा बता रहा है कि वो एसपी उन्नाव के स्कॉर्ट की गाड़ी थी जिप्सी, जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ था। अरुण अवस्थी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या इस काफिले में उन्नाव की एसपी साहिबा मौजूद थी? नहीं, मौके की अगर बात करें तो एसपी उन्नाव उस समय मौजूद नहीं थी, लेकिन काफिले की गाड़ी जो जिप्सी गाड़ी है वो निकल रही थी। इस गाड़ी को स्कॉर्ट की गाड़ी बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि एसपी उन्नाव की गाड़ी के साथ में चलने वाली स्कॉर्ट की गाड़ी है जो साथ में ही चलती, लेकिन अगर बात करें एसपी उन्नाव की तो उस वक्त एसपी उन्नाव काफिले में नहीं थी और ये गाड़ी ही थी केवल जिसमें सिपाही बैठे हुए थे। जी, आप किस तरह की तस्वीर वहां पर देखी जा रही है, क्या इस मसले पर कोई गंभीर हुआ है, किसी ने कोई बात कही है? जी, अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है। वो आक्रोश इस तरीके का है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अंदर आक्रोश ये है कि पुलिस जिसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए वो संवेदनहीनता दर्शाती हुई चली गई। इस बात को लेकर आक्रोश जरूर है पब्लिक में, लेकिन चूंकि पब्लिक है और दूसरी तरफ पुलिस है, इसलिए पुलिस तो सामने आवाज उठाने की। अरुण, ये बताइएगा स्कॉट में कितनी गाड़ियां थी? अगर इसमें एसपी साहिबा नहीं थी तो ये स्कॉट जा कहां रही थी, किसको लेकर जा रही थी? जी, अगर बात करें तो
वापस ही उन्नाव की तरफ गाड़ी लगी हुई थी और उन्नाव की तरफ जा रही थी, लेकिन उसमें स्कॉर्ड लिखा हुआ था, जिप्सी थी और जिप्सी में सिपाही बैठे हुए थे, लेकिन आगे पीछे कोई दूसरा वाहन नहीं था। अब ये भी नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि गाड़ी मौके से निकल गई, बाद में थाने की दूसरी गाड़ी आ गई थी, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि गाड़ी किस उद्देश्य से वहां पे थी और कहां जाना है, कहां जा रही थी। और पुलिस से पूछने की अगर बात करें तो पुलिस से पूछने की जनता में इतनी हिम्मत नहीं दिखी जो पुलिस से पूछ पावे कि आखिर ये गाड़ी कहां से कहां की थी और इसको पकड़ा क्यों नहीं गया। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि इस गाड़ी को आखिर पकड़ा क्यों नहीं गया और इस गाड़ी में बैठे हुए सिपाहियों ने संवेदनहीनता क्यों दिखाई, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से पुलिस की गाड़ी टक्कर मारती है दो मासूम छात्रों को और उसके बाद छात्रों को सड़क पर छोड़कर ही फरार हो जाती है ये गाड़ी। इसमें पुलिस वाले सवार थे, छात्र गंभीर हालत में उर्सला अस्पताल में भर्ती हैं।